एक बच्चा आके पकड़ता है, मोदी जी मैं आपके साथ मिलूंगा, जो एकदम एक दृश्य बनाकर शायद इस हॉल में और इसके आयोजन में लगे हुए हम किसी को भी यह कल्पना नहीं था कि इतना जीवंत हो पाएगा दृश्य। यानी इसका अर्थ है हमारी भारत में हर एक साल अमूमन 2 करोड़ बच्चे एक कोई क्लास में एंट्री करने लायक है भी है, 2 करोड़ बच्चे, तब 100% जीआर होती है। 2 करोड़ नन्हे मुन्ने बच्चे अगर इस मूड और मिजाज पे आ जाएंगे, जिनको हम मानते हैं कि अपने ब्रेन डेवलपमेंट उसी समय में होती है, अब कल्पना करो इस प्रकार के हम सौभाग्यशाली है, हम सब बहुत अत्यंत भाग्यवान है उस इकोसिस्टम को हमारी देख आंखों के सामने और हमारी द्वारा ही ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी शुरुआत हो गई। और उसकी क्लास 3 से 12 तक जो किताब बनेगा, जो पाठ्यक्रम होगा, जो पद्धति होगी, जो माहौल बनाया जाएगा, उसके लिए जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में एनसीएफ बनी थी, एनसीएफ स्कूल एजुकेशन, इस बीच में एनसीईआरटी को अपना काम समर्पित कर दिया है। मैं अपेक्षा रखूंगा सभी उच्च शिक्षण संस्थान उसमें रुचि ले, उसको अभी जो लगभग 130 विषयों में, कल उसको भी प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है, 130 विषय में उसकी किताबें बनेंगी, उसकी विषय बनेगा, उसकी कई उपविषय भी बनेंगे, सब सब्जेक्ट भी होगा, स्किल डेवलपमेंट एक विषय होगा, स्किल डेवलपमेंट में तो अपने आप में 200 विषय हो सकता है। ये सारा विषय की एक्सपर्ट अथॉरिटी कहाँ है? एक्सपर्ट अथॉरिटी छोटे स्कूल की टीचर से लेकर रिसर्चर तक, पोस्ट डॉक में लगे हुए सभी लोगों का है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइन बनी है उसको पाठ्य पुस्तक में परिवर्तित करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में परिवर्तित करना, ये हम सभी की जिम्मेवारी है। मित्रों, एनईपी के बारे में सबने कहा, कहते हैं दूर से पहाड़ सुंदर दिखता है, जब पहाड़ के पास जाए पहले लगता है अरे बाप इतना ऊंचाई है क्या, चढ़ सकते हैं क्या, हम चढ़ सकते हैं, हमने आधे तक पहुंच गया है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। इस प्रकार की माहौल यह प्रमाणित करता है हम सभी लोग कटिबद्ध है, कमिटेड है एनईपी को लागू करने के लिए। एनईपी जब लागू होगा, मैं सपना देखता हूं कि एनईपी लागू होने से क्या होगा। मित्रों, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना है तो एनईपी को लागू करना पड़ेगा। विश्व में सभी समस्या का समाधान की उत्तर निकालनी है तो एनईपी को लागू करना पड़ेगा।